हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू टू यूरान स्टडी चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट टू भाग जो कि आपके एग्जाम बी सी सी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इससे पहले पार्ट वन फिफ्टी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप, आप अपलोड कर दिए गए हैं हमारे चैनल पर आप प्ले से जाके देख सकते हैं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इस हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप उसे जाकर देख सकते हैं और आपको अपने स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं प्रिपरेशन को अगर आपको हमारा चैनल पसंद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं अब इससे आपकी प्रिपरेशन में अगर आपको हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि हम आपके प्रिपरेशन के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए गए हैं तथा अगर कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ने के लिए इस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको आने वाले वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए तो वीडियो अगर स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं वन टू फिफ्टी क्वेश्चन पहले ही हमने डाल रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट वन में और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन कह रहा है इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई ए नंबर ऑफ कोपलर नॉन कंकुरेंट फोर्सेस इट मे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी

कोई हम मटेरियल रखते हैं तो क्या होगा ये अनस्टेबल होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये क्या है आपका कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कोई हमने बॉडी रखा है सिलेंड्रिकल बॉडी रखा है तो ऐसे हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रेजिव बॉडी

थ्री फोर्स एक्टिंग कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ट्राइंगल के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फोर्स आर इक्विवेलेंट टू ए कपल विच मोमेंट इज इक्वल टू अगर फोर्स किसके एक कपल का इक्विवेलेंट अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा ट्वाइस द ट्राइंगल के एरिया के दुगना होगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेज स्टेट दैट वेन द फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी इट्स इफेक्ट इज

तो व रिमेन अनचेंज उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर फोर्स किस पे एक्ट होते जा रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन पे तो उसके बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन आप देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव देखते हैं फिफ्टी फोर तक तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव रहा है ये स्मूथ सिलेंडर लेइंग ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स इन ए न्यूट्रल इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो न्यूट्रल कब होगा तो देखिए न्यूट्रल होगा जब हॉरिजेंटल सरफेस पे अगर हम अगर कोई ये हॉरिजेंटल सरफेस है इस पे हम सिलेंड्रिकल बॉडी कोई रखते हैं तो ये क्या होगा न्यूट्रल में होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी न्यूट्रल होगा ऑप्शन नंबर सी हॉरिजेंटल सरफेस पे तो ये आप देखिए अगर हम हॉरिजेंटल सरफेस की बात करेंगे तो न्यूट्रल होगा कॉन्वेक्स सरफेस की बात करेंगे तो अनस्टेबल होगा और कॉन्केव सरफेस सरफेस की बात करेंगे तो ये क्या होगा स्टेबल होगा ये तीनों याद रखिएगा कभी ये कभी वो पूछ देता है जैसे अभी हमने पिछले में अभी एक क्वेश्चन देखा था उसमें कॉन्वेक्स सरफेस की बात की गई थी वहां क्या था अनस्टेबल होगा और अगर कॉन्केव की बात की जाएगी तो स्टेबल होगा जैसे देखिए ये कॉन्केव सर्फेस हो गया तो इस पर क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा और कॉन्वेक्स सॉरी ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉन्केव हो गया कॉन्केव पे अगर सिलेंड्रिकल बॉडी रखते हैं तो ये क्या होगा स्टेबल होगा और कॉन्वेक्स पे रखते हैं तो अनस्टेबल होगा और ऑरिजेंटल सरफेस पे रखेंगे तो ये न्यूट्रल होगा क्लियर है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द थ्री साइड ऑफ ट्राइंग टेकन इन ऑर्डर द फोर सैल बी इन इक्रियम तो ये सही है ये हमने पहले भी पढ़ा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टी सेवन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरलर फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल फोर्स पैरलर टू गिवन फोर्सेज तो ये गलत है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टी एट टू इक्वल एंड अपोजिट पैरलर फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट अगर दो कोई पैरलर फोर्सेस है सब सम... सपोज देखिए टू पैरलर फोर्सेस एफ वन और एफ टू है क्या रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट पैरलर फोर्सेस ये अपोजिट कर लिया हमने तो हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट फॉर्म में कपल लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो ये क्या करेगा कपल फॉर्म करेगा तो अगर जैसे देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है ये कोई मेम्बर है और एक फोर्स इधर से लग रहा है एक फोर्स इधर से लग रहा है तो इसको ये रोटेट करेगा तो ये कपल ये इसे रोटेट करेगा ये कपल फॉर्म करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ए कपल प्रोड्यूस तो कपल क्या प्रोड्यूस करता है क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा रोटेशनल मोशन क्योंकि ये रोटेट करता है तो ये रोटेशनल मोशन हो जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं एंड कंबाइंड ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन भी नहीं ये भी गलत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपल मोशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द सम ऑफ द टू फोर्सेस

ए कपल कैन नॉट बी बैलेंसड बाई ए सिंगल फोर्स बट कैन बी बैलेंस ओनली ए कपल ऑफ अपोजिट सेंसेस सही है कपल कभी भी सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं होगा उसके लिए बैलेंसड uh, भी होगा जब कपल ऑफ अपोजिट सेंस ऑफ फोर्सेस होंगे तो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिज अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैच करना है सिक्सटी वन ये हमने पहले भी पढ़ ये आपको पहले के वीडियो जब पार्ट वन देखिएगा वहाँ से और हमने इसे पूरा डिस्कस किया है कि कैसे है देखिए रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू वेर पी इज ग्रेटर देन क्यू एक्टिंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका ये किससे मैच करेगा इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू अब देखिए बी क्या कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरलर फोर्सेस लाइक कह रहा है फोर्सेस है तो पी एंड क्यू था रिजल्टेंट क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू सी देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस पी मेकिंग एन एंगल थीटा देखिए इसको हम पहले भी सॉल्यूशन दे रखे हैं आप इसको जाके वहां से देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू पी कॉस्ट ठीटा बाई टू मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पार्ट में डिस्कस है तो आप पहला पार्ट भी जरूर देखें आपको वहां से इसका सॉल्यूशन मिल जाएंगे कि कैसे वो आ रहा है मैं सीधे आंसर पे आ गई हूं देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है द एंगल ऑफ इल्कुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू विद द फोर्स पी ये आप फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा टेन फाइव इक्वल टू जो एंगल निकालते हैं क्यू साइन ठिट्टा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस्ट ठिटा ये मैच कर रहा है सी से क्लियर है अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी टू देखते हैं देखिए द फोर्स इंड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग ए बी ए बी में फोर्स ये हो रहा है ड्यू टू द लोड डब्लू ए बी मेंबर में कितना स्ट्रिंग में कितना फोर्स आएगा ड्यू टू डब्लू लोड ये आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपने रिजॉल्व करने के लिए पहले से भी पढ़ा होगा इसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ देखिए सिंपल से ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा ये तो अगर हम यहाँ देखिए ये ए बी इक्वल टू अगर लिखना होता है तो क्या लिखते हैं एबी को अगर रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा थीटा के सामने वाला क्या होता है साइन थीटा ये आपने पढ़ा है और बेस में क्या होता है कॉस थीटा तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम यहां सामने देख रहे हैं सॉरी यहां देखिए डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा क्योंकि यही रिजॉल्व होके आया है तो अगर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू बाई साइन ठिट्टा साइन ठिटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा डब्लू थीटा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डब्लू थीटा ठीक है अब देखिए पूछ क्या रहा है अब BC में पूछ रहा है तो BC में क्या BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप ए बी कॉस लिख सकते हैं हमने अभी ए बी क्या निकाला है डब्लू कॉसिक थीटा निकाला है ना सॉरी हाँ ए बी डब्लू कॉसिक कौ, थीटा निकाला है हमने कौशिक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा डब्लू आपका कॉट थीटा हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिक्सटी थ्री का क्या हो जाएगा डी क्लियर है अब देखिए आगे देखते हैं सिक्सटी फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है द पॉइंट थ्रो विच द होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन इज नोन एज तो इसका क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये डिफिनेशन है कि जहाँ पे होल बॉडी का वेट एक्ट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं द टर्म सेंट्रॉयड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेंट्रॉयड सेंट्रॉयड क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या रहा है ऑप्शन हमारे क्या रहा है द सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाँ सही है हम सेंट्रॉयड क्या करते हैं सेंट्रॉयड आप एरिया के फॉर्म में निकालते हैं सेंट्रॉयड किसी भी प्लेन एरिया का निकालते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी uh, um, का निकालते हैं सेंट्रॉयड इज सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेंटर ऑफ फिगर विच हैव ओनली एरिया मीन्स द प्लेन फिगर बट नो मास इज नोन एज सेंट्रॉयड इसका यही डिफिनेशन हुआ एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ सेंट्रॉयड इज द सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है द सेंटर ऑफ फिगर विच हैव ओनली एरिया मीन्स प्लेन फिगर जिसमें वनली एरिया को क्या होगा हो? फ्लेन पीकर बोलते हैं उसको बट नो मास इज नोन एज सेंट्रॉयड तो क्लियर हो गया होगा सेंटर ऑफ बॉडी और सेंटर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स पे आते हैं एन इरेगुलर बॉडी मे हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं ऐसा नहीं होता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल लाई एट द पॉइंट वेयर इट्स टू डायगोनल मीट ईच अदर तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ये सही कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कहाँ होता है ये अगर रेक्टेंगल है तो ये इसका डायगोनल जहाँ पे मीट करता है यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इस पॉइंट चलिए क्लियर है अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्या कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल लाई एट द पॉइंट वेयर मीडियम इंटरसेक्ट ये अगर ट्रायंगल है तो यहाँ जहाँ मीडियम इंटरसेक्ट करता है वही सेंटर ऑफ

इकलेक्टेड ट्रायंगल वही कहते हैं जिसका चार तीनों साइड सेम होता है तो तीनों साइड क्या है ए है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये सब तो याद करने वाला क्वेश्चन है आप इस इन सबको आपको थोड़ा ध्यान देके एक दो बार देखिएगा अपने आप ही वीडियो तो एक दो बार रिपीट कीजिएगा जब भी आप फ्री टाइम हो आप इसको चला लीजिए देख लीजिए एक बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक दो बार नज़र से गुजरेगा अपने आप ही याद हो जाएगा और एग्जाम में ऑप्शन देख के ऐसे ही लग जाएंगे ये क्वेश्चन और कुछ न्यूमरिकल्स कीजिएगा अपने आप ही एक याद हो जाएगा कोई बहुत बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा आप आप बैलेंस बना के चलिए मैकेनिक्स से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स से थोड़ा ले लीजिए इंग्लिश से थोड़ा ले लीजिए आपके रैंक्स अच्छे आ जाएंगे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी लाई एट डिस्टेंस ऑफ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर आर बाई थ्री बाई फ्रॉम इट्स मेजर एलोंग द वर्टिकल एक्सिस देखिए मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ और सबका बता देती हूँ एक साथ आगे सब एक ही टाइप के क्वेश्चन से मैंने देखा है तो, तो आपको बताते चलती हूँ आपका पहला क्या है सेमी सर्किल कह रहा है ये बना दिया हमने सेमी सर्किल अब देखिए ये होता है ये जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये डिस्टेंस होता है फोर आर बाई थ्री पाई वेर आर तो आप जानते ही हैं रेडियस ऑफ द सर्किल क्लियर है अगर हम हेमी स्पेयर की बात करें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हेमी स्पेयर पूछ रहा है तो हेमी स्पेयर में वही पूछ रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमी स्पेयर लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री आर बाई एट फ्रॉम इट्स बेस बेस से पू बोल रहा है मेजर अलोंग द वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अलांग तो ये क्या है सही है थ्री आर बाई एट ही होता है देखिए हमने हेमी एक ड्रॉ कर लिया है अब ये देखिए यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है बेस तो आपका यही हुआ और ये सी हुआ तो ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है थ्री आर बाई एट क्लियर है अब आइए देखिए नेक्स्ट सेवेंटी थ्री क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ट्रेपजेडियल के केस में पूछ रहा है तो ट्रेपजेडियल के केस में होता है एच बाई देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा मैं पूरा क्वेश्चन ट्रेपेजेडियल का ही पूछ रहा है तो एच बाई थ्री टू ए ए इज स्मॉलर साइड्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कुलर कौन बोल रहा है तो कौन के केस में क्या होगा एच बाई फोर होता है बेस से ये अगर सी है तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये होता है आपका एच बाई फोर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल का है सेवेंटी फाइव तो ट्रायंगल के केस में क्या होता है ट्रायंगल का हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा ये देखिए ये होता है जो बड़ा इधर है ठीक है तो ये होगा एच बाई और अपर पोर्सन क्या होता है टू एच होगा ठीक है जबकि ये आपका क्या है एच है और ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा एच बाई थ्री ये आपका क्या हुआ सी जी हुआ तो सी जी का डिस्टेंस है एच बाई थ्री या टू एच बाई थ्री के बीच में डिवाइड करता ही है ये क्लियर है अब देखिए सेवेंटी सिक्स पे आते हैं उसी को मैच करना है आपको सी जी ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का सी जी कहाँ होता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल हमने अभी पढ़ा रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है कट करता है वहाँ पे होता है इंटरसेक्शन के पास ट्रायंगल का बोल रहा है तो इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियम तो इसका ई e हो जाएगा अब सर्कल का बोल रहा है तो सर्कल का तो जहाँ पे आपका डायमीटर को हाफ करेगा तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट्स सेंटर डायमीटर का हाफ क्या हुआ सेंटर पर ही होगा अब सेमी सर्किल की बात कर रहा है तो सेमी सर्किल क्या होगा अभी हमने देखा फोर आर बाई थ्री पाई तो सीस को मैच कीजिए अगर हेमीयर का बोल रहा है तो थ्री आर बाई एट अभी हमने देखा तो ये F से मैच होगा और राइट सर्कुलर कौन एच क्लियर है मैच हो गया देखिए अभी हमने एक बार देखा इसको दोबारा देख लिया अपने आप ही क्लियर हो गया और याद भी हो जाएगा ऐसे ही एक दो बार देखिएगा दो बार भी देखने की जरूरत नहीं है आपको देखिएगा अपने आप ही याद होता चला जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सेंटर ऑफ 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 ग्रेविटी क्वाड्रेंट लाई अलॉन्ग इट्स सेंटर डिस्टेंस ऑफ तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का जीरो बोल रहा है quadrant of circle, बोल रहा है ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हो गया ये पूछ रहा है आपसे तो ये सी ये जी हुआ इसका तो ये डिस्टेंस क्या हुआ जीरो पॉइंट सिक्स आर होता है तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी क्लियर है अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन बोल रहा है टी सेक्शन क्या है हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी इंटू फिफ्टी है टी सेक्शन ड्रॉ कर लिया हमने अब देखिए ये क्या है वन फिफ्टी हो गया टोटल और ये क्या हुआ फिफ्टी है और ये आपका हंड्रेड है ये तो क्लियर हो गया वन और टू फिगर हो गया तो फॉर्मूला क्या होता है सी जी इक्वल टू सी जी इक्वल टू होता है ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू वेयर एज एरिया ऑफ द फिगर एंड बाई क्या हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ A1 क्या है अगर हम ए इसको मान रहे हैं ऊपर वाले को मान रहे हैं तो A1 क्या हो जाएगा हंड्रेड इंटू फिफ्टी अब देखिए हम यहां से इरेज कर रहे हैं A1 क्या हो जाएगा हंड्रेड इंटू फिफ्टी अब देखिए फिफ्टी आपका वाई था तो वाई वन क्या हो जाएगा आपका फिफ्टी बाई टू यानी ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और आपका देखिए ए टू क्या हो जाएगा नीचे पूरा आपने अभी देखा तो ये हंड्रेड हो जाएगा ऊपर का पोर्सन फिफ्टी माइनस कीजिएगा तो हंड्रेड इन फिफ्टी हो गया सेम ए टू भी एरिया सेम हो गया बाई टू देखते हैं तो क्या होता है जो ये हमने टी बनाया है तो ये टोटल में आपका क्या है वन फिफ्टी है तो ये पोर्सन का हम ऐड करते हैं और इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका बाई टू हंड्रेड प्लस फिफ्टी बाई टू ये आपका हंड्रेड हो गया और ये क्या हो जाएगा फिफ्टी बाई टू तो अगर आप इन सबको मिलाइएगा तो आप आपका आंसर आ जाएगा एटी सेवन पॉइंट mm. फाइव एम एम तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर है नेक्स्ट आइए देखते हैं सेवेंटी नाइन क्वेश्चन ए सर्कुलर होल ऑफ फिफ्टी एम एम डायमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ हंड्रेड एम एम डायमीटर एज सोन इन फिगर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन विल बी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन ए सैटेड एरिया सैडेड एरिया में आएगा ये अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टी है क्या करा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज द तो मोमेंट ऑफ एनर्सिया का क्या होता है मोमेंट ऑफ एनर्सिया होता है द इट इज डिफाइन एज द मोमेंट ऑफ द मोमेंट ये डिफाइन किसको डिफाइन करता है मोमेंट ऑफ द मोमेंट तो जैसे देखिए मोमेंट ऑफ मोमेंट किसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ मास भी हो सकता है सेकेंड मोमेंट ऑफ बॉडी भी हो सकता है एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी हो सकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज ऑल्सो नोन मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया और अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछा गया है तो इसका यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट हो जाएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछा गया है तो के जी मीटर स्क्वायर अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एरिया पूछा गया है तब हो जाएगा आपका मीटर के पावर फोर हो जाएगा ठीक है तो देखिए नेक्स्ट आपका यूनिट ही पूछा हुआ है तो यहाँ क्या पूछ रहा है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एरिया बोल रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड यूनिट पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या कह रहा है जी मीटर्स अभी नहीं अभी हमने बताया तो ये सही है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब देखिए क्वेश्चन नंबर एटी थ्री स्पेरिकल बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्रिकल बॉडी कह रहा है जो सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस स्पेरिकल बॉडी कह रहा है सॉरी According to the root rule of the moment of inertia of the body, the about an axis passing through its center of gravity is this is correct right answer option number C, ms by 5, where m is the mass of the body and A is the sum of the square of the. टू सेमी एक्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट्टी फोर एटी फोर क्या कह रहा है द रेडियस ऑफ गैरेशन इज द डिस्टेंस वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सही आंसर है रेडियस ऑफ गैरेशन का यही डिफिनेशन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टी फाइव द मास मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड और मास एम एंड लेंथ एल कोई भी थिन रॉड है जिसका मास एम है और एल लेंथ है उसका अबाउट इट्स मिड पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ एनर्जी उस केस में वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इससे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्या कर रहा है मास मोमेंट ऑफ ए थिन रॉड अबाउट इट्स वन एंड इज फोर टाइम्स द मास मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सेम रॉड अबाउट द मिड पॉइंट अगर मास मोमेंट ऑफ किसी थिन रॉड का end का थे और उसके सेंटर मिड पॉइंट से निकाले तो वो क्या होता है फोर टाइम्स होता है उसका तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोर टाइम्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन क्या कह रहा है मास मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ रेक्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग है बी एंड डेफ्थ डी कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है बी है और डी है इसका डेप्थ अबाउट पासिंग थ्रू इट्स सी जी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सी जी एंड पैरलर टू द विथ अगर विथ के पैरलर है और सी जी से पास कर रहा है तब हो जाएगा आपका वन बाई ट बी डी क्यू ठीक है अगर ये विथ्स के पैरलर होगा तब और अगर डेथ के पैरलर हो जाएगा तो सेम उल्टा हो जाता है वन बाई टूवेल्व डी बी क्यू ठीक है जिसको अगर कट कर रहा है उसका हम क्यू लेते हैं देखिए बेस के पैरलर है तो डी को कट कर रहा है तो डी क्यू हो जाएगा अगर, अगर आपका डेप्थ का पैरलर है और बी को कट कर रहा है तो आपका बी क्यू हो जाएगा जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग बिट बी एंड डेफ डी अबाउट एन एक्सी पासिंग थ्रू इट सी जी एंड पैरलर टू डेफ डेफ्थ के पैरलर है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी बी क्यू बाई टूवेल्व तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन ए को मैच कर रहा है और इसका बी को मैच कर रहा है बी डी क्यू बाई ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन क्या कह रहा है द मोमेंट ऑफ इन नर्सिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड से स्क्वायर का क्या होता है चारों साइड सेम होते हैं अबाउट एन एक्सिस थ्रो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फोर बाई ट्व जहाँ बी डी क्यू बाई ट्व लिखते हैं तो बी और डी दोनों क्या है सेम है तो उसका फोर हो गया तो ए फोर बाई टूवेल्व ट्वेल्व हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी अब नाइन्टी क्वेश्चन नंबर पे आते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्ची ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन थ्री सेंटीमीटर वाइड एंड फोर सेंटीमीटर डीप अबाउट एन एक्स एक्सिस तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के है मतलब डी के क्यूब क्यूब uh, हो जाएगा बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व बी क्या बता रहा है आपका थ्री एंड डी क्या है फोर फोर का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्सटीन तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट इट्स बेस बेस के अबाउट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ए फोर बाई थ्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर अच्छा ये तो ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है तो ये ट्रू है ए फोर बाई थ्री ही होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द मोमेंट ऑफ इनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट इट्स डायगोनल डायगोनल के अबाउट पूछ रहा है तब हो जाएगा आपका ए फोर बाई टूवेल्व अभी हमने ऊपर ही देखा है डायगोनल के एवाउट अगर पूछते हैं तो निकालते हैं तो ए फोर बाई टूवेल्व हो गया और अगर साइड्स के एवाउट पूछ रहे हैं तो ए फोर बाई थ्री हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये ध्यान रखिएगा ये डायगोनल किस किसके एउट पूछा गया है ये डायगोनल पूछा गया है और ये बेस पूछा गया क्लियर है अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री क्या रहा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया का एक wider है एक वाइडर है बी है और डी है इसका वेस्ट बी है और डेफ डी है इसमें स्मॉलर सेक्शन का आपको पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ हेलो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी डी क्यू बाई अगर हम पूरा का देखें तो क्या हमने देखा है बी डी क्यू बाई ट्वेल्व देखा है तो बड़े वाले में से माइनस कर देंगे छोटे वाले को तो बी डी क्यू बाई ट माइनस बी डी क्यू बाई ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर क्या कह रहा है मोमेंट ऑफ फिगर ऊपर जो फिगर है about by by axis, बोल रहा है अगर के पूछ रहा है is not the same at, about x, x, x. नहीं होगा क्योंकि वो हॉलो सेक्शन की बात की जा रही है तो इसका 94 फोर का सही आंसर हो जाएगा सॉरी uh, सेम uh, ही होगा तो इसका नाइन्टी फोर का सही ऑप्शन हो जाएगा यस yes. अब नाइन्टी फाइव देखिए द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स के अबाउट बोल रहा है तो ये हो जाएगा पाई बाई सिक्सटी फोर डी क्यू ठीक है और अगर बेस के अबाउट पूछे मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ से, सर्कुलर सेक्शन अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन तो आपका हो जाएगा आपका नाइनटी सिक्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाई डी क्यू बाई थर्टी टू क्लियर है अब देखिए ना क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन पे आते हैं ये भी आपका एक सर्कुलर सेक्शन है बीच में हॉलो सेक्शन है और मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ हॉर्कुलर सॉरी हॉलो सर्कुलर सेक्शन का पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाई बाय 64 फोर कैपिटल डी फोर माइनस कैपिटल डी क्या है आउटर एरिया आउटर डायमीटर है और माइनस इनर डायमीटर हो जाएगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन्टी द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन एड सोन इन फिगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन का अबाउट एन एक्सिस पर सेक्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू टाइम्स द अबाउट द एक्स एक्सिस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब देखिए नाइनटी नाइन क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ एक्ट ट्रेंगुलर सेक्शन ऑफ ए बेस बी एंड हाइट एच अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रो सी जी अगर सी जी की बात कर रही है सी जी एंड पैलर टू द बेस पैलर टू बेस की बात की जा रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन बाई थर्टी सिक्स बी एच क्यू मतलब ऑप्शन नंबर डी और अगर बेस की बात की जाएगी अबाउट द बेस ट्रेंगलर सेक्शन का तो हो जाएगा बी एच क्यू बाई ट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये थे आपके फिफ्टी टू हंड्रेड क्वेश्चन वन टू फिफ्टी क्वेश्चन हमने आपको पार्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है आप वहाँ जाके ज़रूर देखें ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों से आपका क्या होगा एक बेस तैयार हो जाएगा जिससे आप और क्वेश्चन ईजिली uh, कर पाएंगे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बीटेक एंट्रेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग